देखिए, गद्दी का एक नाम और गद्दी का एक पद बहुत ही ऊंच होता है। गद्दी और भी बनी हुई है, लेकिन हम किसी भी गद्दी का अपमान या किसी गद्दी की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मैं काफ़ी सालों से यह राज में आता जाता रहा हूँ, और मुझे अगर गद्दी नज़र आई है तो राय की आई है, जिसमें कि आज हम बाबा रूढ़ेनाथ जी के दर्शन करने आए हैं, जिसमें कि मेरे साथ गद्दी राय के जमादार श्री विनोद जी भी मौजूद हैं, उस्ताद आनंद सोनू जी भी मौजूद हैं, और खलीफा बंटी जी भी मौजूद हैं। मैं बहुत आभारी हूँ भाई विनोद जी का, जमादार विनोद जी का, उस्ताद आनंद सोनू जी का, बंटी जी का, कि भाई जब भी हमारा मन करता है तो मैं इनको फ़ोन करता हूँ कि वे बाबा रूढ़ेनाथ जी के दर्शन करने चलेंगे, तो ये तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मेरे अंदर भी एक भावना है, मेरा भी मन करता है वे बाबा रूढ़ेनाथ जी के दर्शन करें। तो इसी तरह में से भी गद्दी गरियानों के गुर पीरों से भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने गद्दी बनाई है, गरियाने बने हैं, तो इसी तरह जो पूजनीय है, जैसे बाबा रूढ़ेनाथ जी को यहाँ समाधि दी गई थी और ये उनका पूजनीय स्थल है, और हर साल पूर्णमासी के दिन यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है। केवल ढोल वालों का मेला लगता, पूरे राई गांव, हर कास्ट, हर धर्म, हर समाज, यहाँ बहुत बड़े भंडारे चलते हैं। यहाँ कंपनियाँ काफ़ी है, कंपनियाँ वाले भी भंडारे चलाते हैं रोड पे भी। और जिस जिसने बाबा रूढ़ेनाथ जी की को सच्ची आत्मा से माना, आज वो संपूर्ण है, आज वो पदों पे है। कुछ लोग यहाँ के आशीर्वाद से MP भी बने हैं, MLA भी बने हैं, निगम पार्षद भी बने हैं। तो मैं सभी से, सभी गद्दी घरियानों के गुरु उस्तादों से निवेदन करूँगा कि जिसको भी माने सच्ची श्रद्धा से माने, किसी का अपमान ना करें, किसी को अपमानित ना करने। ये एक सीख है कि जैसे हम गद्दी पे हैं, ऐसे वो गुरपीर भी अपने गुरपीरों की गद्दी पे जाए और वहाँ भी जरूर मत्था टेके। आप सभी को नमस्कार। जी।